तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एकदम क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ठंडा होने के बावजूद भी क्रिस्पी बना रहता है। इसे आप किसी भी छोटे मोटे पार्टी में बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों देर न करते हुए इस रेसिपी को बनाने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से 5 व्हाइट ब्रेड ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेंगे और इस ब्रेड के छोटे छोटे से टुकड़े करके इस मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे ब्रेड को पीस लेंगे और इसका एक चूरा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को इस तरीके से चूरा बना के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बड़े साइज का बॉल ले लिया है। तो हमें यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन लेना है। अब हम इसमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बेसन ले लिया है और 2 टेबलस्पून जितना ही हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले लिया है। इसे डालने से दोस्तों ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना होता है, यहाँ पे आप पोहे को पीस के ले सकते हो या फिर यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे बेसन का यूज किया है, तो इसमें हम अजवाइन को डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन ले लिया है और इसे हम इस तरह से मसल के डालेंगे। अजवाइन डालने से ये डाइजेशन अच्छा करता है और पेट को अच्छा रखता है। और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ले लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। तो तीखा आप अपने पसंद का कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसके जगह पे चाट मसाला या फिर आप नींबू का जूस भी ले सकते हो। और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे नमक ले लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ कटी हुई सब्जियाँ डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले लिया है और 2 टेबलस्पून जितना हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई टमाटर ले लिया है। तो इसका हमने जो अंदर का गुदा बीज था उसे हटा लिया है। और हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ग्रेट किया हुआ गाजर ले लिया है। तो इन सभी को हम इसमें डाल देंगे। तो 1 छोटा सा लाल मिर्च और 1 छोटा सा हरी मिर्च ले लिया है, तो इसे हमने काट के ले लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। और दोस्तों, हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हरी धनिया पत्ती ले लिया है। थोड़ा से ही हमने यहाँ पे फ्रेश करी लिप्स ले लिया है। इसे डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ पे 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके ले लिया है। अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना पानी ले लिया है और इसे छींटा मार के इस तरीके से गूंथ लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे प्याज को नहीं डाला था, इसे डालना भूल गया था। तो हमने यहाँ पे 1 छोटा टुकड़ा प्याज को बारीक काट के ले लिया है और इसे डाल देंगे। इसे हमें पहले ही डालना चाहिए था, लेकिन इसे हम डालना भूल गए थे। तो यहाँ पे हमने प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 प्लेट ले लिया है। अब हम प्लेट में इस नाश्ते को रखेंगे। इस नाश्ते को रख के हम इस तरीके से चपटा कर लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे। तो हमने इसे इस तरीके से सेट कर लिया है। इसे हम एक बराबर इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप दे दिया है। अब हम इसे कट लगा लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बीचों बीच काटेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से बीचों बीच काट लेना है। इसे हम इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे। और जो साइड का इस तरीके से किनारी बच जाता है उसे हम इस तरीके से चपटा करके शेप दे देंगे, तो ये भी यूज में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों,
इस तरीके से ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो गैस में हमने तेल को पहले से ही पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे लो मीडियम आंच पे गर्म करना है और एक एक करके हम सभी नाश्ते को डालते जाएंगे। तो इसमें जितना जगह हो आप उतना एक एक करके डालें, लेकिन उलटने पलटने का जगह होना चाहिए। तो दोस्तों इसे डालते के साथ हम जल्दी से पलटेंगे नहीं, नीचे से जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा उसके बाद इसे हम पलटेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे नीचे के साइड से पलटेंगे, तो ये नीचे के साइड से हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, तभी इसे आप पलटें। अगर आप इसे बीच में ही सॉफ्ट में ही पलट देंगे तो ये टूट भी सकता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन हो जाए उसके बाद ही इसे पलटें। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एकदम क्रिस्पी मज़ेदार सा ये नाश्ता बनके तैयार हो रहा है, इसे खाना सभी पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी नाश्ता एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, एकदम इसे हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये नाश्ता एकदम गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई हो चुका है और जो बाकी का नाश्ता है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस चटपटा नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एकदम कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है, इसे आप किसी भी छोटे मोटे पार्टी में बना के खा सकते हैं, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हुआ है, आप यहाँ पे आवाज़ से ही पहचान सकते हो। तो दोस्तों ये ठंडा होने के बावजूद भी क्रिस्पी बना रहता है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों ये मेरी आज की नई तरीके की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।